और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। मंत्री रमेश चंद मीणा ने प्रगति समीक्षा की है। विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली गई है। तय समय पर काम पूरा नहीं करने पर चार्जशीट के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभारी अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, पीएम आवास योजना लाभार्थियों के नाम काटने पर जांच होगी। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय टीम का गठन करने के भी निर्देश दे दिए गए। तो पंचायती राज विभाग की बहुत ही अहम बैठक, विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा होगी और मंत्री रमेश चंद मीणा ये समीक्षा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी ग्राम पंचायत और नीचे के स्तर पर जो लोग हैं हमारे, जिस योजना की पात्रता रखते हैं, उस व्यक्ति तक उस लाभार्थी को लाभ मिले और ईमानदारी से मिले। जो आदमी गरीब है और वो अंतिम छोर पर रहता है, झोपड़ी में रहता है, वहाँ तक हमारी विकास की योजना, हमारे पंचायत राज और ग्रामीण विकास की योजना उसके घर तक पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास, समग्र विकास राजस्थान में करें और एक ग्रामीण पंचायत राज की एक ऐसी छवि बने लोगों के बीच में कि क्वालिटी वाइज काम हो रहे हैं, आम आदमी का काम बिना परेशानी के, बिना कमीशन के हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी समीक्षा हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अधिकारी समय पर काम पूरा करें और जो पेंडिंग काम है पुराने उनको भी मार्च तक।